कृष्ण लीला जो होती है, इस कृष्ण लीला की सबसे पहले आचारी गोपियां हैं, गोपियों ने ही कृष्ण लीला आरंभ की है। जो रामलीला होती है, रामलीला का आरंभ श्री शत्रुघ्न जी महाराज ने किया है। जिस समय अयोध्या में श्री राम जी विराजे हुए थे और मधुपुरी में, जिसका नाम आजकल मथुरा है, यहां लवणासुर नामक एक दैत्य का आक्रांत था, तो लवणासुर को मारने के लिए राम जी ने शत्रुघ्न को भेजा और कहा कि जाओ लवणासुर को मार करके तुम मथुरा का राज्य करना। शत्रुघ्न जी रो पड़े, व्याकुल हो गए। क्यों? इसलिए कि राम जी ने कभी ना कभी मेरे मन में राज्य का लोभ देखा होगा, तभी तो मुझे राज्य सौंप रहे हैं कि जाओ तुम राजा बन जाओ। कभी ना कभी इन्हें लगा होगा कि मैं राजा बनना चाहता हूं, क्यों भेज रहे हैं। लवणासुर को मारना शत्रुघ्न जी के लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जाके सुमरण तेरे पुनासा, जाके सुमरण तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमरण करने मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाए, उन श्री शत्रुघ्न जी महाराज को, लवणासुर जैसे दैत्यों को मारना कौन सी कठिन बात है। पर शत्रुघ्न जी इसलिए व्याकुल हैं कि मुझे राम जी से दूर रहना पड़ेगा। राम जी ने कभी ना कभी मेरे मन में लोभ देखा होगा, राज्य का प्रलोभन देखा होगा, तब तो मुझे राजा बना रहे हैं, क्योंकि राम सदा से बतरो चिरा जी। रोते रोते मधुपुरी पहुंच गए, मथुरा पहुंच गए, लवणासुर का संहार कर दिया, राजा बन गए। लेकिन राम जी के वियोग में अत्यंत व्याकुल रहते थे, रुदन करते रहते थे। तो जो मथुरा के ब्राह्मण हैं, उन्होंने विचार किया कि हमारे राजा यदि रोने में ही लगे रहे तो राज्य कैसे चलेगा, ये स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो मथुरा के ब्राह्मणों ने रामलीला का मंचन करना आरंभ किया, और रामलीला कर करके शत्रुघ्न जी को दिखाते थे, और राम जी की लीला को देख देख करके शत्रुघ्न जी किसी प्रकार समय बिताते रहे राम जी के वियोग में। तो वहीं से रामलीला का आरंभ हुआ, और कृष्ण लीला का आरंभ गोपियों ने किया है। वहीं ब्रजमंडल रास मंडल में गोपियां कृष्ण लीला का अभिनय कर रही हैं। एक बोली, देखो देखो इस रज में हमारे प्यारे के चरणों के चिन्ह बने हुए हैं, इसका मतलब वो इस ओर गए हैं। दूसरी बोली, देखो अकेले कृष्ण के चरण चिन्ह नहीं है, श्री जी के चरण चिन्ह भी हैं, किसी गोपी के चरण चिन्ह भी हैं, अकेले नहीं गए हैं, किसी गोपी को लेकर गए हैं। और वो गोपी कौन है? अन्याराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्यो विहाय गोविंद प्रीतोयामनयद्रह। इस श्लोक में राधा जी का नाम तो नहीं है, पर संकेत है। अन्याराधितो, इसमें राधा शब्द छुपा हुआ है, अन्याराधितो। यद्यपि इसका संधि विच्छेद तो ऐसा होगा, अन्य आराधितो, अन्य किसी गोपी का आराधन करके कृष्ण ले गए, अन्य आराधितो। पर संधि कर दी जाए तो अन्य राधितो माने अन्य जो गोपी गई है वो श्री राधा रानी गई है, राधा जी को कृष्ण साथ में लेकर गए हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना
सबसे पहले आपको मिले।